क्वालिटी का भरोसा चाहिए तो प्रमोद ज्वेलर्स आइए, जो लेकर आए हैं शगुन कलेक्शन का एक खूबसूरत तोहफा। हर 30,000 रुपए की खरीद पर पाइए एक लकी ड्रॉ कूपन। लकी ड्रॉ योजना में वेस्पा जीतने का सुनहरा मौका और भी कई सारे आकर्षक इनाम। जल्दी करें। प्रमोद ज्वेलर्स, पारधी नगर, हिंगणा रोड, नागपुर, TNC अप्लाई। रश्मि बर्वे के जाति सत्यापन मामले पर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। सुप्रीम कोर्ट ने रश्मि बर्वे को कोई राहत दे दी है, किंतु हाई कोर्ट ने जाति प्रमाण पत्र को अमान्य करने के फैसले पर रोक लगा दी है, लेकिन उम्मीदवारी आवेदन रद्द रखा गया है। बॉम्बे हाई कोर्ट के नागपुर बेंच ने फैसले पर रोक लगा दी है। ज्ञात हो कि कांग्रेस की रश्मि बर्वे का जाति वैधता प्रमाण पत्र रद्द करने पर गुरुवार को बॉम्बे हाईकोर्ट में सुनवाई हुई। रश्मि बर्वे का जाति प्रमाण पत्र और जाति वैधता प्रमाण पत्र फर्जी दस्तावेजों के कारण जिला जाति प्रमाण पत्र सत्यापन समिति ने रद्द कर दिया था। जाति प्रमाण पत्र सत्यापन समिति द्वारा प्रमाण पत्र रद्द किए जाने के कारण लोकसभा चुनाव के लिए रश्मि बर्वे का उम्मीदवारी आवेदन रद्द कर दिया गया था। बर्वे ने लोकसभा चुनाव के लिए अपनी उम्मीदवारी रद्द किए जाने के खिलाफ बॉम्बे हाईकोर्ट में याचिका दायर की है। आज फैसले की उम्मीद थी, हालांकि बॉम्बे हाईकोर्ट ने जाति प्रमाण पत्र को अमान्य करने के फैसले पर रोक लगा दी है। बुधवार को कोर्ट ने सभी पक्षों की दलीलें सुनी, जिसके बाद आज गुरुवार को हाईकोर्ट ने फैसले पर रोक लगा दी। इस मामले में अगली सुनवाई 22 अप्रैल को नागपुर बेंच में होगी, खासकर तब तक रामटेक लोकसभा क्षेत्र के लिए मतदान खत्म हो चुका होगा, इसलिए जाति वैधता प्रमाण पत्र रद्द होने के मामले में तो रश्मि बर्वे को राहत मिल गई, लेकिन उनकी उम्मीदवारी रद्द होने के मामले में उन्हें राहत नहीं मिली, ऐसा प्रतीत होता है। आज के इस निर्णय के विषय में जानकारी दी है अधिवक्ता शैलेश नारनवरे ने। दर्शकों, पूरे देश में लोकसभा चुनाव का बिगुल बज चुका है और इसी बीच रामटेक लोकसभा में बड़ी मात्रा में उठ रहा मुद्दा रश्मि बर्वे के कास्ट वैलिडिटी का, और आज उस कास्ट वैलिडिटी के मुद्दे पर जो है सुधारित याचिका पर सुनवाई हुई है। इस वक्त हमारे साथ अधिवक्ता मौजूद है। आज जो है माननीय उच्च न्यायालय ने एक बहुत बड़ा आदेश पारित किया है और स्क्रूटनी कमेटी नागपुर, जिन्होंने रश्मि बर्वे जी मैडम की वैलिडिटी कैंसिल की थी 28 मार्च 2024 को, उस कैंसिलेशन ऑर्डर को आज माननीय उच्च न्यायालय ने स्टे दिया है। ये बहुत बड़ी रश्मि बर्वे मैडम की जीत है और इसके आधार पर जो भी कॉन्सिक्वेंशियल ऑर्डर्स कहते हैं उसको, वो रिटर्निंग ऑफिसर जिन्होंने नॉमिनेशन फॉर्म जो है रिजेक्ट किया, या फिर जिला परिषद ने जो उनकी सदस्यता जो है रिजेक्ट की है, तो ये सारे जो कॉन्सिक्वेंशियल ऑर्डर जो है ये अपने आप जो है जा सकते हैं, या फिर हमको एक टेक्निकली जो भी इसकी जो रेमेडी है सुप्रीम कोर्ट में या हाई कोर्ट में वो करना होगा, लेकिन स्टे के आधार पर ये सब संभव है। कई मुद्दे आए हैं और कई प्रकार के जो है जात वैधता प्रमाण पत्र के आधार पर कई मुद्दे यहाँ स्थगित है, और इस पर ये जो नया विजय हुआ है इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? ये जो विजय हुई है वो इस बात की विजय हुई है कि इस देश में बाबा साहब ने आर्टिकल 341 में रिजर्वेशन दिए थे, ताकि जो एक पीड़ित जो समाज है जिनको रिजर्वेशन की सख्त ज़रूरत है, जो आगे आना चाहते हैं, उनके लिए ये बहुत बड़ा जो है दिलासा होता है। और अगर कोई इतने गरीबी से यहाँ तक अगर आता है और MP की जो है अगर नॉमिनेशन फॉर्म भरता है, तो ये बहुत बड़ी बात है कि एक महिला इतना धाड़स कर रही है, और उसकी जो कास्ट सर्टिफिकेट और वैलिडिटी पर एक दाग था कि ये जेन्युइन नहीं है, बोगस है, फ्रॉड है, ये जो दाग जो है आज माननीय उच्च न्यायालय ने स्टे देकर हटा दिया, तो ये बहुत बड़ा एक जवाब है वो विरुद्ध पार्टी के लिए या फिर जो है अपोनेंट्स के लिए। तो इसके बेसिस पर रश्मि बर्वे मैडम बहुत कुछ एक्शन ले सकती है। इसके बेसिस पर जो नॉमिनेशन फॉर्म रिजेक्ट हुआ है या फिर जो जिला परिषद की मेम्बरशिप रिजेक्ट हुई है, वो सब जो है उस पर एक्शन वो ले सकते हैं।
दर्शकों, रामटेक लोकसभा क्षेत्र में जिस प्रकार से कांग्रेस पार्टी को बड़ा झटका पहुंचा था रश्मि बर्वे के कास्ट वैलिडिटी प्रमाण पत्र को रद्द करने के बाद, कहीं ना कहीं एक सकारात्मक नई जो है सकारात्मक दिशा यहाँ मिली है कांग्रेस पार्टी को। कहीं ना कहीं रश्मि बर्वे को बड़ा दिलासा यहाँ मिल चुका है, स्टे यहाँ मिल चुका है, उससे कहीं ना कहीं रामटेक लोकसभा की सियासत में भी काफ़ी फर्क पड़ेगा। साथ ही साथ उनका जो जिला परिषद सदस्यत्व जो रद्द हुआ था वहाँ भी कहीं ना कहीं जो है आशा की किरण आज नजर आ रही है। कैमरा पर्सन अजित कुंवर के साथ मैं मनीष टेमरे, NBC News के लिए नागपुर।